हे गाइस, वेलकम बैक टू डेन क्रॉस ब्लॉग। जैसा कि मेरे ब्लॉग का टॉपिक होता है, तो आज भी टॉपिक है और वो आपको थंबनेल से भी अंदाजा हो गया होगा। तो मैं भी आपको बता देती हूँ कि मेरे कुछ पुराने कपड़े थे, जैसे टी शर्ट्स थी और टॉप्स थे, तो मैंने बोला चलो उनको रीन्यू करते हैं आप लोगों के साथ और दिखाते हैं कैसा उनका आउटकम आएगा। तो जो है मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगी कैसे मैंने किया। मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी उनके ऊपर अटैच करने के लिए, तो वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना है कैसा था और कैसा नहीं लगा और कैसे लगी आपको वो टी शर्ट्स। और एक जीन्स भी है जिसको मैंने रिन्यू करना है ना, तो ज़रूर 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 मुझे कमेंट करके बताना है कैसा लगा आपको। और लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस किया करो। और अगर कोई मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है और वो सब्सक्राइब करता है मेरे चैनल को, तो थोड़ी देर मेरी वीडियो देखा करो देन सब्सक्राइब किया करो, या फुल वीडियो देखने से भी कुछ नहीं जाएगा, फुल वीडियो देख लिया करो। और जो है अगर नहीं देखते तो लगा के छोड़ दिया करो, तो आप लोगों को जो है वो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, खुद ब खुद नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जब जब मेरा व्लॉग आएगा तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलो लेट्स मूव ऑन टू माय व्लॉग। तो गाइज, ये चीज़ें थी जो मैंने मंगवाई हुई थी, मैं आपको खोल कर भी दिखाती हूँ कि ये क्या चीज़ है। एक ये मिनी का मैंने मंगवाया था, आपको नज़र आ रहा होगा मिनी है ये। और एक ये मैंने किटी मंगवाई थी, एक ये YSL का लोगो है जो मैं अपनी शर्ट पे पेस्ट करूंगी, एंड ये फ्लावर है एक जो मैंने मंगवाया था, और ये कुछ छोटे छोटे से बंचेस हैं फ्लावर्स के और साथ में बटरफ्लाई हैं। तो ये जीन्स पे मैं पेस्ट करूंगी और मैं आपको दिखाऊंगी। और ये सारी एम्ब्रॉयडरी हुई है इस पर, उस पर जो है सीक्वेंस वर्क हुआ हुआ है, कुछ पे सीक्वेंस वर्क हुआ हुआ है, कुछ पे एम्ब्रॉयडरी है। ये बटरफ्लाई सारी एम्ब्रॉयडरी है और आप लोग इनका पेज भी विजिट कर सकते हो। मैं आपको लिंक जो हो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंशन कर दूँगी और आप इनका पेज भी विजिट कर सकते हो। बहुत बहुत अच्छी चीज़ें हैं और जो है आप अपने कपड़ों पे, कुर्तियों पे, आप कोई कहीं पे भी वो लगा सकते हो। बंसीज हैं बेसिकली इनके पास, तो आप कहीं पे भी लगा सकते हो, अपनी कुर्तियों पे भी लगा सकते हो। मैं तो अपनी जीन्स और टी शर्ट्स पे लगा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत अरसे से ढूंढ रही थी मुझे जो है ना ये ग्लिटरी इसके अंदर मिल जाए। ग्लिटर तो वही उतर जाता है, धोने से भी उतर जाता है। ये असल में कढ़ाई हुई हुई है, सारी स्टिचिंग हुई हुई है, ये देखें सारी स्टिचिंग है इसके ऊपर, सीक्वेंस वर्क है इसके ऊपर, और ये आयरन से पेस्ट हो जाएंगे, आयरन से पेस्ट हो जाएंगे। ये आपके पास कोई ग्लू होगी तो आप ग्लू से भी पेस्ट कर सकते हो, और आयरन से बेसिकली ये पेस्ट होंगे, कुछ आयरन से होंगे, और ये जो है ये मुझे स्टिच करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो है ना कुछ स्टिचिंग की हैं और कुछ आयरन की हैं, तो वो अब हम आगे की जर्नी बताते हैं आपको। जीन्स को प्रेस कर लिया था, अब मैं इस पर रीअरेंज करती हूँ ये, देन मैं इसको पेस्ट करूँगी। ये तो नहीं होंगे पेस्ट क्योंकि मुझे ये स्टिच करने पड़ेंगे, तो ये मैं पहले रखूँगी और इनका ये बनाऊँगी कि मुझे कहाँ कहाँ लगाने हैं ये। टोटल जो है ना ये 8 बटरफ्लाइज हैं मेरे पास, सही 8 बटरफ्लाइज हैं। एक मैं इसके यहाँ पे लगाऊंगी। अब ये देखिए ऐसे रीअरेंज किया है मैंने इसको अपने जीन्स को, और अब ये इस साइड पे भी जो है ना रीअरेंज करेंगे। देखा आपने, कर लिया मैंने। अब मैं पहले बटरफ्लाई को स्टिच करती हूँ जीन्स के ऊपर, सही, फिर जो है ना फिर इसको स्टिक कर देंगे। ये तो मैंने पेस्ट कर ली हैं, बटरफ्लाई रह गई हैं।
देखिए, ये देखिए हमारी फर वाली किटी पेस्ट हो चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसके ऊपर लगा लिया, मैं पहन के भी दिखाई है आपको। और ये इसके जीन्स की फ्रंट के ऊपर मैंने जो सारी पेस्टिंग की थी वो भी मैंने लगाई है यहाँ। सही तो ऐसे लग रहा है कुछ ही। सो फ्रेंड, दूसरी शर्ट ये थी जिसके ऊपर मैंने फ्लावर पेस्ट किया था आपको। आप मुझे बताना कैसी है ये। एंड ये फ्लावर था इसके ऊपर और ये था। अब थर्ड लुक की तरफ चलते हैं। थर्ड लुक ये था जिसके ऊपर मिनी मिनी मैंने पेस्ट की थी, तो ये कुछ ऐसी लग रही है शर्ट। बताइए कैसी है। ये असल में क्रॉप टॉप है मेरा, तो जो है मैंने इसके ऊपर पेस्टिंग की है, तो आप लोग मुझे बताना है कैसा था। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग? आई होप सो यू लाइक इट। लाइक इट ना, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। एंड इस पेज का मैं लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। और पेस्टिंग के अलावा एक और चीज़ मुझे आपको कहनी है गाइड करने के लिए, कि आपने पेस्ट की है ना, अगर जो चीज़ें उनको अगर आप थ्रेड वर्क से उसको अटैच भी कर लोगे तो वो पक्की हो जाएगी। तो आप वो थ्रेड वर्क से अटैच भी कर सकते हो, क्योंकि बाद में मैं थ्रेड वर्क करूँगी उसके ऊपर। मैंने अभी आपको स्टिक करके दिखाया था, एक मैंने थ्रेड वर्क करके दिखाया आपको। तो आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग, और नेक्स्ट ब्लॉग आप कौन सा देखना चाहते हो, तो मुझे ज़रूर 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 बताना। और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।